हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जहाँ के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा और पुराना म्यूजियम भी इसी राज्य में मौजूद है। ये भारत का वो राज्य है जहाँ सबसे ऊंचा हिल स्टेशन भी मौजूद है और एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी इसी राज्य में है। यहाँ की लड़कियाँ देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियाँ मानी जाती है। साथ ही इस राज्य में रसगुल्ला सबसे ज्यादा खाया जाता है और मछली के बिना यहाँ का खाना अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बेहद खूबसूरत राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल पूरी दुनिया में बहुत सी चीजों को लेकर मशहूर है। ये राज्य हिमालय की पहाड़ियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। यहाँ आज भी हाथ से खींचने वाले रिक्शे चलाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पश्चिम बंगाल को खास बनाती है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल ही क्यों है, जबकि ईस्ट बंगाल नाम की तो कोई जगह नहीं है। और ये राज्य भारत के पूर्व में स्थित है। असल बात ऐसी है कि आज़ादी के बाद बंगाल के एक बहुत बड़े हिस्से को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, जिसकी वजह से भारत के हिस्से को वेस्ट बंगाल का नाम मिला। दोस्तों बता दें कि 7वीं शताब्दी के समय बंगाल को गोर के नाम से माना जाता था, लेकिन बाद में यहाँ की मुख्य भाषा बंगाली होने के कारण इसको बंगाल नाम दे दिया गया। आज पश्चिम बंगाल आबादी के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जिसकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ पहुंच गई है। और बात करी जाए यहाँ की जीडीपी की तो वो 200 बिलियन डॉलर के आसपास मानी जाती है। यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 97% है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य है। साथ ही यहाँ सेब, संतरे, इलायची और भी बहुत सी चीजों की पैदावार होती है। ये राज्य अपने हैंडलूम और टेक्सटाइल्स के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। बंगाल में तात की साड़ी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ की महिलाएं जब तात की साड़ी पहनती है तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। वैसे भी बंगाल की लड़कियों की खूबसूरती के चर्चे तो बहुत दूर दूर तक है। सुष्मिता सेन, मोनी रॉय, बिपाशा बासु और रानी मुखर्जी जैसी तमाम बॉलीवुड अभिनेत्रियां बंगाल की भूमि से आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल में बच्चों को 5वीं क्लास से संगीत और लिटरेचर जैसी सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। कोलकाता में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, जिसकी शुरुआत इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से की गई थी, लेकिन आज इसे नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, जहां लगभग 22 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद है। साथ ही कोलकाता में हर साल किताब प्रेमियों के लिए भारत का सबसे बड़ा किताबी मेले का आयोजन भी किया जाता है। कोलकाता में ही भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। दोस्तों मजे की बात यह है, आज भी 5 रुपए में आप इसमें सफर का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश का पहला टीवी और पहला मोबाइल फोन भी कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी पश्चिम बंगाल में ही है, जिसका नाम है दोस्तों सोनागाछी, और यहाँ आपको हजारों महिलाएं देह व्यापार करती दिखाई देगी। देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में स्थित है, जिसका नाम है घूम स्टेशन, जो कि दोस्तों 2258 मीटर की ऊंचाई पर बना है। हालांकि ये एक टॉय ट्रेन स्टेशन है। अगर आप लोग कभी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर के इस स्टेशन पर घूमने जाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के लोग अपनी भाषा बांग्ला को लेकर काफी सेंसिटिव है और ये अपनी भाषा को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। बंगाल में साल में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें दुर्गा पूजा राज्य का सबसे प्रमुख फेस्टिवल माना जाता है। इस दौरान राज्य में एक अलग ही रौनक नजर आती है। जगह जगह मेलों का आयोजन होता है और लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। और दोस्तों दुर्गा पूजा को देखने के लिए भारत के
अन्य राज्यों से भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा काली पूजा, सरस्वती पूजा, दोर पूर्णिमा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राखी पूर्णिमा जैसे कई त्योहारों को बंगाल के लोग बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, बात की जाए खाने की तो बता दे यहाँ के लोग खाने में भी सबसे आगे हैं। बंगाल का रसगुल्ला भला किसे पसंद नहीं होगा? चोम चोम, कचौड़ी, चोप कटलेट, डेली भाजा, काथी रोल और बहुत सी प्रकार की मछलियाँ और सी फूड्स बंगाल में खाए जाते हैं। दोस्तों, आप जिस इंडियन चाइनीज फूड का आनंद लेते हैं, असल में इसकी उत्पत्ति भी बंगाल में हुई थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब चाइनीज लोग कोलकाता में पहली बार बसने लगे। तब उन्होंने चीनी जायके और इंडियन जायके का मिश्रण किया, जिसे आज हम भारतीय लोग इंडियन चाइनी रूप में जानते हैं। और दोस्तों, अगर आपको व्हाइट टाइगर देखना पसंद है तो वे भी आपको सिर्फ बंगाल राज्य में देखने को मिलेगा। इसी के साथ भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी आपको यही देखने को मिलेगा और सबसे पुराना हावड़ा ब्रिज भी आपको भारत के बंगाल राज्य में देखने को ही मिलता है, जो कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।